हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी। इससे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम ऑलरेडी दो थ्योरीज कवर कर चुके हैं, एडम स्मिथ की और रिकार्डो की। अगर आपने वो थ्योरीज अभी तक नहीं देखी हैं तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप प्लीज़ पहले उन वीडियोज को चेकआउट कर लीजिए। आइए अब हम पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, इनका थोड़ा सा बायोडाटा भी होना चाहिए। तो देखिए, जो कार्ल मार्क्स हैं उनका बर्थ कब हुआ था? उनका बर्थ हुआ था 1818 में, ठीक है, 5 मई 1818 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो पूरा नाम है दैट इज कार्ल हेनरिक मार्क्स, कार्ल हेनरिक मार्क्स। ये अपने 20th सेंचुरी थे उसके, ये बहुत ही पॉपुलर इन्फ्लुएंशियल थे, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल इनकी थी, राइटर थे, थिंकर थे, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, ऐसा नहीं है सिर्फ इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटीज में से ये रहे हैं। अब जिस थ्योरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस थ्योरी के बारे में इन्होंने बात की है अपनी बुक दास कैपिटल में। दास कैपिटल जो कि पब्लिश हुई थी 1867 में। जो थ्योरी की हम बात कर रहे हैं दैट इज कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है, ये जो थ्योरी है वो थ्योरी कौन सी है? कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। इस थ्योरी के बारे में इन्होंने बात की है अपनी बुक दास कैपिटल में, ठीक है। अब ये थ्योरी है क्या, ये कार्ल मार्क्स के थॉट्स क्या थे? कार्ल मार्क्स का ये मानना था, देखिए सीधे सीधे दे रखे, कैपिटलिज्म के बारे में बात की, कम्युनिज्म यानी कि सोशलिज्म के बारे में बात की इन्होंने। तो इन्होंने बात क्या की है, इन्होंने ये बोला है कि जो कैपिटलिज्म है उसका, कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति है, उनका मेन मोटिव क्या होता है? उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। सीधी बात है, कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा है कि पूंजीपति क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना। अब वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को कैसे अर्न करेंगे? प्रोडक्शन से अर्न करेंगे। अब जो कार्ल मार्क्स है उनको सीधा मानना है प्रोडक्शन का मतलब ही होता है जनरेशन ऑफ वैल्यू, ठीक है, वैल्यू को जनरेट करना। और जो ये वैल्यू है वो जनरेट कौन करता है? वो वैल्यू को जनरेट करती है लेबर, ठीक है। अब देखिए लेबर के बारे में एडम स्मिथ ने भी बात की है, रिकार्डो ने भी बात की है, और अब कार्ल मार्क्स भी बात करते हैं लेबर के ऊपर। वो ये कहते हैं कि वैल्यू को लेबर ही जनरेट करता है, बस यहाँ पे लेबर का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। इसके अलावा इन्होंने बात की है, देखिए जो रिकार्डो थे वो क्या मानते थे, रिकार्डो का क्या मानना था कि जो इकोनॉमी है पहले प्रोग्रेस करेगी, उसके बाद वो एक स्टैग्नेशन पोजिशन में चली जाएगी, ठीक है, रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी वहां पे। लेकिन जो एक कार्ल मार्क्स थे वो ये नहीं कहते थे स्टैग्नेट होगी, बिगनिंग में ग्रो करेगी, डेफिनेटली ग्रो करेगी, बट इसका लास्ट में अंत हो जाएगा, जो ये कैपिटलिस्ट स्टेज है वो खत्म हो जाएगी, तबाह, खत्म, बिल्कुल डूम में चली जाएगी। ये क्यों चली जाएगी वो अभी हम आगे इस थ्योरी में डिस्कस करेंगे। जो कार्ल मार्क्स थे ही वॉज दी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि जो ये कैपिटलिज्म है, जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी, डूम में चली जाएगी। दूसरा, जो सोशलिज्म का कंसेप्ट है, जो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत है ना, उसमें भी पहली बार ये कार्ल मार्क्स की वजह से ही आया था। अब देखिए, जो कार्ल मार्क्स है वो ये मानते थे कि जो पूरी की पूरा सोशल रिवोल्यूशन है, अर्थव्यवस्था है, वो टोटली 5 स्टेजेस से होके गुजरती है। उन्होंने 5 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया है, एक बार फटाफट से उन 5 स्टेजेस को रीड कर लेते हैं। देखिए, पहले स्टेज उन्होंने बात की है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। शॉर्ट में वैसे मैं बताऊं कि वो ये कहते हैं कि ये तीनों के तीनों स्टेजेस से जो लोग हैं वो गुजर चुके हैं। प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्या होता है? वो हंटर नहीं होते थे, आदिवासी वाले, जिनको कोई सेविंग्स नहीं करनी फ्यूचर के लिए, उनको कोई रूल नहीं करना, उनको कुछ नहीं है, वो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है कि प्रोडक्शन करना, ये वो क्यों करते थे? डेली बेसिस पे सिर्फ जिंदा रहने के लिए हंटिंग वो लोग क्या करते थे। तो ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म वो वाली स्टेज है। उसके बाद दूसरी स्टेज है स्लेवरी की। देखिए, स्लेवरी नाम से क्लियर होता है, जो स्लेव्स होते हैं, बंधक होते हैं, तो क्या होता था, एक स्लेव ओनर होता था, स्लेव होते थे बंधक, उनसे मजदूरों की तरह काम करवाया जाता था और उन्हें उसके बदले में कुछ पैसे भी नहीं दिए जाते थे। तो स्लेव भाई बंधक मजदूर जो हुआ करते थे, स्लेव ओनर्स होते थे, तो स्लेवरी स्टेज वो है। उसके बाद आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म कौन सा? लैंडलॉर्ड्स वाला और फार्मर्स वाला। फेडरलिज्म को पढ़ती है तो मुझे वो लगान पिक्चर की याद आ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये वही वाला कंसेप्ट है जो आपने उस मूवी में देखा था फेडरलिज्म का। उसके बाद आता है कैपिटलिज्म, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि कैपिटलिज्म पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो पूंजीपति हैं उनका मेन मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट को अर्न करना, कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करें। उनको नहीं मतलब है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लेबर्स का, क्या हो रहा है, उनको मतलब है सिर्फ अपने प्रॉफिट से, वो उसी के लिए काम करते हैं और उसी के लिए कार्ल मार्क्स कहते हैं अल्टीमेटली वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट सोशलिज्म, जो अल्टीमेट स्टेज की बात करते हैं, जिसके लिए मार्क्स कहते हैं
कि कैपिटल जब ये खत्म हो जाएगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो लास्ट में सोशलिज्म आएगा। सोशलिज्म का मतलब जहाँ पे कि स्टेट ऑनरशिप भी होगी, मतलब कोऑपरेटिव ऑनरशिप होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट ऑनरशिप के अंदर रहेगा कि सिर्फ प्रॉफिट मोटिव रहेगा, सोशल वेलफेयर भी वहाँ पे रहेगा, वहाँ इनइक्वालिटी को दूर करने की कोशिश की जाएगी, कोऑर्डिनेट होगे सबके सब काम करेंगे, कोऑपरेटिव वर्क होगा, लोगों की नीड्स को ध्यान में रखा जाएगा, एक्सप्लोइटेशन नहीं होगा किसी का भी। तो अल्टीमेटली कार्ल मार्क्स के हिसाब से ये वाली स्टेज आ जाएगी। अब वो यही कहते हैं कि ये तीन स्टेजेस से तो गुजर चुके हैं लोग, कैपिटलिस्ट चल रही है और इसके खत्म होने के बाद लास्ट में सोशलिज्म स्टेज आ जाएगी। आइए अब पढ़ते हैं अबाउट मार्क्सियन इकोनॉमिक सिस्टम। जो मार्क्स इकोनॉमिक सिस्टम है उसी को मार्क्सियन इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं, और वैसे जो उनकी थ्योरीज, उनके थॉट्स वगैरह थे उसको भी हम मार्क्सिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो अब मार्क्सियन इकोनॉमिक सिस्टम को हम पढ़ेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उन्होंने टोटली इस चीज को चार कंपोनेंट्स के साथ उन्होंने जोड़ा है कि क्या क्या चीजें हैं जो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में इंक्लूड होती हैं, या फिर मार्क्स के हिसाब से कहां से कहां तक ये सारा का सारा जो प्रोसेस है सिस्टम का वो चलता है। देखिए, सबसे पहला आपके पास में है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की, जिसकी हम कह रहे थे कि वो लास्ट में जिसका अंत हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें दो क्लासेस आती हैं, दो क्लासेस की वो बात करते हैं। पहली आपके पास में है कैपिटलिस्ट और दूसरी है आपके पास में वर्कर्स। कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट कौन? जो ओन करते हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन को। कैपिटलिस्ट कौन है? कैपिटलिस्ट वो है जो ओन करते हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन को। मींस ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि आपके फार्म, लेबर, लैंड, मशीनरीज, इन सबको जो ओन करते हैं वो होते हैं आपके कैपिटलिस्ट। और इसको कहीं ना कहीं बुक्स में जो वर्ड यूज हो रहा है वो हो रहा है बोर्जुआजी, ठीक है। इट्स प्रोनाउंसिएशन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बट राइट है, मैं इसकी स्पेलिंग लिख रही हूँ यहाँ पे, बोर्जुआजी, ठीक है। इसको भी हम उन्हीं के लिए यूज करते हैं जो रूलिंग पार्टीज होती हैं, तो उसी के लिए हम कैपिटलिस्ट के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, तो रूलिंग पार्टी जो कि रूल करते हैं। दूसरी है हमारे पास में वर्कर्स, जिनको हम बोलते हैं प्रोलेटेरियट, ठीक है। सेम जैसे वो बोर्जुआजी है, ये है प्रोलेटेरियट। और वर्कर्स कौन? जिन जो ओन नहीं करते मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, बल्कि अपनी सर्विसेज देते हैं, अब वेजेस के लिए काम करते हैं। तो अब जो ये कैपिटलिस्ट हैं, उनका मेन मोटिव क्या है? कैपिटलिस्ट हैं, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, उनको तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे? एक्सप्लॉइट करके वर्कर्स को, ठीक है। अब वर्कर एक्सप्लॉइट कैसे होंगे? जब उनको खाली सब्सिस्टेंस वेजेस दिए जाएंगे और काम उनसे ज्यादा लिया जाएगा तो डेफिनेटली वो एक्सप्लॉइट होंगे। जब काम उनसे ले रहे हैं 100 का, वेजेस उन्हें दिए जा रहे हैं खाली 50, तो वो एक्सप्लॉइट तो होंगे। अब जो कैपिटलिस्ट है उसके लिए तो कम्प्लीटली अप्रोप्रिएट है। उसको मतलब किस चीज़ से? उसको तो प्रॉफिट लेने से मतलब है ना। उसको क्या मतलब है कि जो लेबर है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब जो लेबर है उनको काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा? बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, उनको काम करना है। उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो लेबर है वो जो अवेलेबल वेज रेट है, अवेलेबल वेज रेट है, उस पर काम करने के लिए वो रेडी है, तो उन वो काम कर रहे हैं। बट जो कैपिटलिस्ट हैं वो फायदा उठा रहे हैं, वो काम उनसे 100 का ले रहे हैं, दे उनको 50 रहे हैं, यानी कि उनको सिर्फ उतने ही वेजेस दिए जा रहे हैं जो उनकी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। तो उनको जो कैपिटलिस्ट है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं उनका, क्योंकि इसका मेन मोटिव है सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करना। और ये अब उस प्रॉफिट का क्या करेंगे? ये उसको री इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस के अंदर और ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए। यानी कि जितनी भी कॉमोडिटीज प्रोड्यूस की जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए की जा रही है। दूसरा एक और इक्वेशन से ही प्रॉफिट को अर्न करते हैं। वो इक्वेशन अगर कहीं पे पूछ ले देन यू शुड नो अबाउट इट, दिस इज एम सी एम। अब ये इक्वेशन क्या है आपके पास में? एम स्टैंड्स फॉर मनी, दिस एम स्टैंड्स फॉर मनी, सी स्टैंड्स फॉर कॉमोडिटी एंड दिस एम स्टैंड फॉर कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। एक तो हमने क्या बोला कि जो प्रोड्यूस की जा रही है वो भी, और ये दूसरी इक्वेशन क्या है जिसके जरिए वो प्रॉफिट अर्न करते हैं? देखिए, मनी यूज टू बाय कॉमोडिटीज टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि जो भी मनी है उसको यूज किया जा रहा है कॉमोडिटीज को परचेज करने के लिए ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। परचेज का मतलब गुड्स को खरीदा जा रहा है रीसेल करने के लिए, वो रीसेल वाला सिस्टम होता है ना, तो उसके लिए इक्वेशन को यहाँ पे यूज किया गया है। तो दिस इज अवर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। सेकेंड जो हमारे पास में है दैट इज लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लेबर थ्योरी की बात हमने अभी अभी कहा, बाकी दोनों उन्होंने भी की थी, एडम स्मिथ ने और रिकार्डो ने, तो ये भी करते हैं। अब ये यहाँ पे बात क्या करते हैं कि जो वैल्यू है वो कौन जनरेट करता है? अल्टीमेटली वो लेबर जनरेट करता है। और इसी के चलते उन्होंने बात की है लेबर पावर की।
किस चीज की इन्होंने बात की है, लेबर पावर की। लेबर पावर का मतलब क्या है, कैपेसिटी ऑफ द लेबर टू प्रोड्यूस, यानी कि उसकी एबिलिटी कितनी है प्रोडक्शन करने की, आउटपुट प्रोड्यूस करने की, दैट इज योर लेबर पावर। कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि लेबर को उनके काम के हिसाब से वेजेस मिलने चाहिए, ठीक है, यानी कि जितना वो काम कर रहे हैं, जितना वो आउटपुट दे रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्हें अकॉर्डिंगली उसके लिए वेजेस मिलने चाहिए। उनको खाली सब्सिस्टेंस वेजेस देके निपटाना नहीं चाहिए, उनका शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना भी वो कर रहे हैं, जितनी वो वैल्यू जनरेट करें, उन्हें उसके हिसाब से वेजेस मिले, तो ये कार्ल मार्क्स का यहाँ पे मानना था। अब इसी के चलते उनके दिमाग में जो थॉट आया था वो यही आया था कि जो एक्सेस वैल्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। भाई अब भाई जो मैंने एग्जांपल लिया था 100 की वो वैल्यू जनरेट करके दे रहे हैं, मिल उनको खाली 50 के वेजेस रहे हैं, तो जो एक्सेस वैल्यू जा रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम क्या है। तो ये जो क्वेश्चन दिमाग में आया उसी के चलते हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरी की, दैट इज सरप्लस वैल्यू। अब ये सरप्लस वैल्यू क्या है, ये वही सरप्लस वैल्यू है कि 100 की वो वैल्यू को जनरेट कर रहे हैं, मिल उनको खाली 50 रहे हैं, तो जो डिफरेंस है 50 का, ये डिफरेंस क्या है, दैट इज योर सरप्लस वैल्यू। यानी कि लेबर जो एक्सेस वैल्यू जनरेट कर रहा है वही होती है सरप्लस वैल्यू, ठीक है। तो ये जो एक्सेस 50 है वो क्या है, वो सरप्लस वैल्यू है, और ये सारी की सारी कहाँ जा रही है, कैपिटलिस्ट की झोली में जा रही है। वो तो शोषण कर रहा है लेबर का, उसने तो काम करवा लिया उनसे, भाई उसको जितनी वैल्यू, उसको जितना चाहिए वो काम करवा रहा है, उसके लिए तो सब कुछ सही है, अप्रोप्रिएट है, उसके लिए कुछ भी गलत नहीं है, उसको प्रॉफिट हो रहा है एक्सेस वैल्यू से, तो उसके लिए क्यों गलत होगा। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए, इन सारी चीजों को समझने के लिए यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक इक्वेशंस। अगर आपको इनका रिलेशन समझना है तो एक बार छोटी सी इक्वेशंस है जो अगर आप कहीं और पूछ भी लिए जाएं तो आपको पता हो उनके बारे में। देखिए, पहली चीज, पहली इक्वेशन आपके पास में है वाई, व्हाट वाई रिप्रेजेंट्स टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होती है, सी प्लस वी प्लस एस। व्हाट इज सी, सी इज योर कॉन्स्टेंट कैपिटल। सी हमारे पास में क्या है, कॉन्स्टेंट कैपिटल। कॉन्स्टेंट कैपिटल क्या होती है भाई, जो हम लैंड पे लगाते हैं, मशीनरीज पे लगाते हैं, बिल्डिंग पे लगाते हैं, फिक्स कैपिटल के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, दैट इज योर कॉन्स्टेंट कैपिटल। दूसरा हमारे पास में है वेरिएबल कैपिटल। वेरिएबल कैपिटल क्या होती है, विच फ्लक्चुएट्स विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। वो वेरिएबल होती है आपके पास में, जिसमें आपके लेबर्स आते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल आता है, दैट इज योर वेरिएबल कैपिटल। थर्ड, सरप्लस वैल्यू, जो अभी अभी हमने बात की, सरप्लस वैल्यू जो एक्सेस वैल्यू जनरेट हो रही है, तो इन सभी को मिला के होती है आपकी टोटल इनकम। दूसरा है रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू, इट इज स्मॉलेस्ट। अब वो स्मॉलेस्ट, वैसे तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो आपको डिफरेंस सुनो, ऐसे ही बनाते हैं, देखिए ये है आपका स्मॉलेस्ट, इसका क्या होता है रेट ऑफ, दिस इज रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू। अब रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या होती है आपकी, रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या थी, सरप्लस वैल्यू टू वेरिएबल कैपिटल। सरप्लस वैल्यू टू वेरिएबल, वेरिएबल कैपिटल मतलब लेबर, लेबर यानी कि जितनी, अब रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू, उसका रेट कैसे निकलेगा, सरप्लस वैल्यू कितनी सरप्लस वैल्यू आई है, डिवाइडेड बाय जो आपके वेरिएबल कैपिटल है, जो कि आपके लेबर्स हैं। अगला हमारे पास में है के, के इज योर सी और वी। अब ये भी बताया था आपको सी और वी आई, याद है ना सारा का सारा। तो के आपके पास में क्या है, के इज योर ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल। ऑर्गेनिक कंजम्पशन ऑफ कैपिटल क्या होता है आपके पास में, देखिए इसको एक और चीज बोला जाता है, दैट इज टेक्निकल कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। क्यों, बिकॉज यहाँ पे हम कहेंगे टेक्नोलॉजी का यूज करना, वो किस लिए। अब देखो जो कैपिटलिस्ट है वो क्या चाहता है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है, अर्न करना चाहता है ज्यादा से ज्यादा। अब उसके लिए क्या होगा, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, तो वो क्या करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे। उससे क्या होगा, अब उससे देखो उससे सिचुएशन क्या बनेगी, उससे सिचुएशन ये बनेगी कि जो आपका प्रॉफिट है वो तो ठीक है बढ़ गया, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगा ज्यादा से ज्यादा। अनएम्प्लॉयमेंट आएगा तो जो अनएम्प्लॉयड लेबर है वो क्या करेंगे, वो क्या विद्रोह करेंगे, और यही जो चीज है वो अल्टीमेटली जाती है डूम वाली सिचुएशन में, जब कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, दैट इज योर रेट ऑफ प्रॉफिट डिनोटेड बाय पाई। रेट ऑफ प्रॉफिट आपके पास में क्या होता है, रेट ऑफ प्रॉफिट आपके पास में होता है एस अपॉन में सी प्लस वी। सी प्लस वी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल कैपिटल, कॉन्स्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल, इंपॉर्टेंट है ना, फिक्स कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल, उसी को तो मिला के टोटल कैपिटल होगी आपकी। तो ये है आपका क्या है, ये आपका डिनोट कर रहा है रेट ऑफ प्रॉफिट को। जो पाए है वो आपका क्या डिनोट कर रहा है, ये आपका डिनोट कर रहा है रेट ऑफ प्रॉफिट को, ठीक है। जो पाए है वो रेट ऑफ प्रॉफिट को आपका डिनोट करता है। अब देखिए इनका रिलेशन कैसे है, एक बार समझ लीजिए। जो पाए है यानी कि रेट ऑफ प्रॉफिट है,
दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू, किससे लिंक होगा डायरेक्टली, सरप्लस वैल्यू के साथ. कैसे, क्यों, कैसे लिंक होगा, जो आपका रेट ऑफ प्रॉफिट है वो सरप्लस वैल्यू के साथ डायरेक्टली लिंक होगा. क्यों, जितना ज्यादा सरप्लस वैल्यू होगा उतना ही तो ज्यादा कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट होगा, है कि नहीं. क्योंकि जो कैपिटलिस्ट है वो किस चीज की कोशिश किए जा रहा है, उसका सरप्लस बढ़े, तो जितना ज्यादा सरप्लस होगा उतना ही ज्यादा उसका प्रॉफिट होगा कैपिटलिस्ट का. बट इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल. जो ये है वो इनवर्सली रिलेटेड है किससे, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल से. क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल अल्टीमेटली कहाँ पहुंच रहा है, प्रॉफिट के नीचे जाने पे. अल्टीमेटली जब ये भी आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी आएगी, देन अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, उसके बाद प्रॉफिट नीचे चले जाएंगे, कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा. तो जो पाई रेट ऑफ प्रॉफिट है वो इनवर्सली रिलेट करता है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल के साथ. ठीक है, अब देखिए आगे लास्ट हमारे पास में है कैपिटल एक्यूमुलेशन, जो कि मोटिव होता है हर कैपिटलिस्ट का, कैपिटल को एक्यूमुलेट करना. और जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है यही आपका डायरेक्टली जो पहुंचेगा वो कहाँ पे पहुंचेगा, आपका जो यही चीज है वो कहाँ पहुंचेगी, डायरेक्टली आपकी डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म की सिचुएशन पे, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म. अब ये डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म कैसे, अभी पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया था. देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म कैसे होगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन हर कैपिटलिज्म का उद्देश्य है, इकलौता सपना कैपिटल को एक्यूमुलेट करते चलो, प्रॉफिट कमाओ ज्यादा से ज्यादा. अब उसके लिए क्या होगा, कंपटीशन इतना ज्यादा है, अब एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा. उस एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज अगर करेंगे तो जो छोटे छोटे बेचारे कैपिटलिस्ट हैं वो तो पहली साइड हो गए, क्योंकि उनके पास इतना है ही नहीं कि वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करें, तो वो छोटे छोटे कैपिटलिस्ट तो पहले बाहर हो गए. अब जो बचे कुचे कैपिटलिस्ट हैं उनके एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आएगा. अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगा ही आएगा, सीधी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं आएगा. जहां एक मशीन, जहां एक काम को 10 लोग कर रहे थे, वहां एक मशीन पे एक आदमी उस काम को कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा. अब जो ये अनएम्प्लॉयड लेबर है वो क्या करेंगे, वो अपना एक संगठन बना लेंगे जिसे हम बोलते हैं रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर. जो ये अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो क्या करेंगे, वो अपना एक छोटा सा संगठन बना लेंगे जिसे हम बोलेंगे रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, रिजर्व आर्मी. ठीक है, यहाँ रिजर्व आर्मी क्यों, रिजर्व वर्ड हम किस लिए यूज कर रहे हैं, रिजर्व वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मशीनरीज के आने की वजह से जो लेबर हैं उनके पास अब काम नहीं है, तो उनको एज अ रिजर्व साइड रख दिया गया कि जब जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें काम में लिया जाएगा. वो बेचारे अनएम्प्लॉयड हो गए. रिजर्व वर्ड सिर्फ इसलिए कि जब मशीनरीज यूज में आ गई, टेक्नोलॉजीज यूज में आ गई, तो उन्हें एज अ रिजर्व साइड में रख दिया गया. रिजर्व क्या होता है, जब जरूरत पड़ेगी जब तुम्हें काम में लिया जाएगा. तो सेम लेबर के साथ किया गया, जब जरूरत पड़ेगी तब तुमसे काम लिया जाएगा, तो तुम रिजर्व की तरफ साइड में रहो. ठीक है, इसके लिए और भी नाम यूज होते हैं आपके. एक इसके लिए आपका नाम यूज होता है आपका इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी. इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी भी एक इसके लिए वर्ड यूज होता है, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सारे का सारा काम कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज की वजह से ही होता है. तो ये था देखिए आपके पास में रिजर्व आर्मी किसकी वजह से होगा, जब आपका कैपिटल एक्यूमुलेशन मशीनरीज आने की वजह से लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. अब जो ये अनएम्प्लॉयड लेबर्स हैं ये क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयड लेबर्स क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे. भाई उनको तो विद्रोह करना बनता ही है, तो विद्रोह करेंगे. और विद्रोह करने की वजह से क्या होगा, जो आपके कैपिटलिस्ट है उनका प्रॉफिट नीचे जाएगा. ठीक है, क्योंकि जो ये प्रोग्रेस है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाली है, तो जो इनका विद्रोह की वजह से कैपिटलिस्ट है उनका प्रॉफिट खत्म होगा. और अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन जो कैपिटलिज्म है आपकी वो सिचुएशन खत्म हो जाएगी, तबाह डूम में चली जाएगी. और उसके बाद जो आएगी आपकी स्टेज वो आएगी सोशलिज्म की, जिसके बारे में हमने बिगनिंग में ही बात की थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा. मतलब ऐसा कुछ भी नहीं इन द सेंस कि जो कैपिटलिस्ट वाले कर रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं होगा सोशलिज्म, एक्सप्लोइटेशन नहीं होगा, सब कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे. अब लेकिन जो कार्ल मार्क्स हैं ये कहीं ना कहीं बोला गया कि ये उनका सिर्फ एक ड्रीम था, लगा लीजिए कि कुछ भी सच्चाई नहीं थी. क्यों सच्चाई में नहीं थी, कि उनका जो प्रिडिक्शन था कि कैपिटलिज्म खत्म होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता कहीं पे भी रियल लाइफ में. क्यों, बिकॉज इन्होंने कंसीडर नहीं किया अबाउट द सेल्फिशनेस ऑफ पीपल, उनकी ग्रीडीनेस को, कि लालची हैं लोग, सेल्फिश हैं लोग. ठीक है, उनको पता है कि लेबर्स को काम करना पड़ेगा. ठीक है, तो उनका ये मानना जो था कि कैपिटलिज्म खत्म होगा वो अकॉर्डिंग टू सो मैनी क्रिटिसाइजर्स एग्जिस्ट नहीं करता. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.